आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अभी मैं ट्रंप की बात कर दूं, ट्रंप के ऊपर तीन चीजें मैं इसकी स्टेटमेंट के ऊपर कहना चाहता हूं। सबसे पहले ये कि ट्रंप को कोई समझ ही नहीं है कि ये जो सारी अफगानिस्तान के अंदर जंग हुई और जो पाकिस्तान में तबाही हुई उसको ना लगता है कि उसको कोई बैकग्राउंड की इसकी नॉलेज है नहीं इसके पास, और इसको लगता है कि इसको किसको इसको ब्रीफ उन्होंने किया है जो कि पाकिस्तान के दुश्मन है। सबसे पहली बात कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वक्त पे 1.5 लाख नेटो के फौजी थे अफगानिस्तान में, 2 लाख से ऊपर अफगान फौज, और ये कहने की कोशिश कर रहा है ट्रंप के ये इसलिए 16 साल में इसलिए नहीं जीते क्योंकि पाकिस्तान से इमदाद चंद हजार लोगों की आ रही थी। ये कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं जो कि हकायक जानता है। पाकिस्तान को उसने दूसरी बात की कि हमने पता नहीं 30-25-30 अरब डॉलर दिए, दूसरा उसने कहा कि हमने पाकिस्तान को ये जो एड दी इससे हमें कुछ मिला नहीं। जानते हैं कि इससे हमारी इकोनॉमी को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, 100 अरब से ऊपर हुआ है, डॉलर से ऊपर हुआ है। दूसरी चीज, यहां 70,000 लोग मारे गए उस जंग में जिससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था। 9/11 में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस था ही नहीं, हमारा इससे कोई था ही नहीं इस जंग में, हमारे हुक्मरान इस जंग में हमें लेके गए। मैं ये आज ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, मेरी असेंबली में तकरीरें सुन ले, मैंने हमेशा कहा कि ये हमारी जंग नहीं है, ना जाओ इसमें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो ये डॉलर आप गिना रहे हैं ना ट्रंप, यही डॉलर्स की वजह से इन्होंने इस मुल्क में तबाही मचाई, जिसकी वजह से आज हमें जिल्लत भी मिल रही है। इस मुल्क ने कुर्बानियां भी दी अमरीका की जंग पे, नुकसान भी मुल्क का कराया, कबायली इलाके में तबाही मचवाई, और उसके बाद हमें फिर ये जलील किया जा रहा है। एक अमरीकी प्रेसिडेंट जो है जिसमें अकल की कमजोरी और उसको समझ भी नहीं है ज्यादा, एजेंडे पे चल रहा है हमारे दुश्मनों के, वो आखिर में हमें जलील भी कर रहा है पूरा। मैं आज खड़ा होकर यहां कहता हूं कि इससे हमें एक सबक सीखना चाहिए, किसी और की जंग जब आप लड़ेंगे उनसे पैसे लेके उसमें आपके सामने मजीद जिल्लत है और तबाही है। मैं जब ये कह रहा था कि हमारी जंग नहीं है तो मुझे कहा जाता था तालिबान खान। मैं जब कह रहा था कि ये जंग में हमें नुकसान होगा, मेरा मजाक उड़ाया जाता, मुझे कोई राइटिस्ट कहते थे, अमरीकी एम्बेसी में जाके मेरे खिलाफ बातें करते थे, बाहर या यूरोपियन एम्बेसीज में कहते थे कि राइटिस्ट है। आज अल्लाह सच का खुदा है, आज कौम के सामने हकायक सामने आए हैं कि जिस जंग में इतना नुकसान हुआ पाकिस्तान और इतनी कुर्बानियां दी हैं, उसके बाद हमें एक अमेरिकी प्रेसिडेंट जिस तरह की बातें कर रहा है, ये पाकिस्तानियों के लिए इबरतनाक है कि आगे से कभी किसी की जंग में ना शिरकत करना, जितने मर्जी वो पैसे दें, क्योंकि वो कभी आपको इतने नहीं पैसे दे सकते जो वो मुल्क की तबाही होती है और जो जिल्लत मिलती है, इंटरनेशनल जिल्लत मिलती है। खान साहब, अगर आज केस में गिरफ्तारी का ऑर्डर होता है तो देंगे आप गिरफ्तारी? जनाब अगर गिरफ्तारी की तो दोस्तों, इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।